सेकंड आपका आरसी हाई पास फिल्टर आता है। आरसी हाई पास फिल्टर जो है बिल्कुल सेम है लो पास फिल्टर की तरह। इसमें सिर्फ कंपोनेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस आ जाती है, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर आ जाता है। और इसमें जो आपकी लोअर फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसको उसके ऊपर आपका कोई यानी कि रिस्पॉन्स नहीं होता, वो रिजेक्ट हो जाती है। और हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपकी आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम आती है और वो आपके पास हो जाता है। ये आपका स्टॉप बैंड है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से पीछे भेजे, और आपको क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के बाद जो आपका पास बैंड है। सिमिलरली वैसे ही आपका 0 हर्ट्ज के ऊपर आपका कैपेसिटर ओपन बिहेव करता है, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट वोल्टेज 0 आती है। जी आपके 0 हर्ट्ज के ऊपर 0 वोल्ट आ गए, और रिएक्टेंस यहाँ पे इस केस के अंदर हाई होती है आपकी। और सिमिलरली आपने अगर फ्रिक्वेंसी जब आपकी ज़्यादा होगी 0 हर्ट्ज से ज़्यादा है, हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका कैपेसिटर जो है आपका शॉर्ट का हो जाता है, और आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है आपकी इनपुट वोल्टेज के मुताबिक आ जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपकी वी आउट इक्वल होगी वी आई, जो कि आपको मैक्सिमम वोल्ट के इक्वल है। और ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको 0.707 वी मैक्सिमम या वी आई आपकी है। वी मैक्सिमम वी आई वी मैक्सिमम हम इसलिए कह रहे हैं कि जो आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो आपकी वी मैक्सिमम ही है एक तरह की, इसलिए हम लोग वी आई को वी मैक्सिमम भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें सिमिलरली आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि आप लोगों ने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है किसी भी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज का मतलब यह है कि किसी भी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप लोगों ने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ सी फार्मूले के थ्रू। और वो फार्मूला ये है आप लोगों यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हो, अगर आप लोग ये है सर्किट आपको हाई पास फिल्टर का, तो आपको आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, जेड आर ओवर जेड आर प्लस जेड सी इंटू वी आई, जो आपको यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने। तो ये आपका आर है ट्रेंगल ऑफ 0 डिग्री, आर में जे एक्स सी, और इसका मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिखें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर टेन इनवर्स माइनस आपका बाहर चला गया एक्स सी ओवर आर आ गया। ये आपका एंगल ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके भी जो है आपका वोल्टेज गेन है वी आउट और वी आई, यहाँ पे आर स्केयर यहाँ पे आप कॉमन लें आप बाहर आ जाएगा, आपका आर आर से कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर एक्स और आर का स्केयर आ जाएगा। ये आपका मेन फार्मूला है आपका जो आपका यूज होगा हाई पास फिल्टर के लिए। याद है कि यहाँ पे एक्स ओवर है आर है, और आपका लो पास फिल्टर के अंदर आर ओवर एक्स का था, तो इन दोनों का डिफरेंस है, बाकी फार्मूला सेम है आप लोगों का, ये आप लोगों ने याद रखना है। फेज एंगल आप लोगों का यह थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स ओवर आर। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप लोगों को देख रहे हो कि वी आउट ओवर वी आई 0.707, और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी भी आपकी वही है 1/2 पाई आर सी, सेम फार्मूला है इसका यहाँ पे। और नॉर्मलाइज प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब जो आपका जितनी भी आपकी जो वैल्यूज आई आउटपुट की, आप लोग उसको वी आई से डिवाइड कर दो। वी आई से आप डिवाइड करोगे तो आपका ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे वी आउट आपकी वी आई थी मैक्सिमम थी, तो वी आई से डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ पे 0.0707 वी आई था आपकी आउटपुट वोल्टेज, आपकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या थी वी आउट 0.707 वी आई, यहाँ पर डिवाइड बाई वी आई किया आपका तो 0.707 रह गया। ये आपका नॉर्मलाइज प्लॉट है। सिमिलरली आपका ये बता रहा है हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है आपका थीटा 0 डिग्री पे अप्रोच कर जाता है, और लोअर फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका थीटा जो 90 डिग्री पे अप्रोच कर जाता है। और सिमिलरली आपका जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जब आपकी रिएक्टेंस जो है आपके कैपेसिटर की आपकी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, तो आपका थीटा 45 डिग्री को अप्रोच करता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग 23.6 है, इसमें आर आपका 20 किलो ओम है, सी आपका 1200 पिको फैरेड है। आप लोगों ने नॉर्मलाइज प्लॉट करना है अगर आप लोग का फिल्टर यूज करते हैं, हम हाई पास फिल्टर के लिए लो पास फिल्टर के लिए। ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें नॉर्मलाइज प्लॉट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आपने मालूम करनी है, एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी करना है आप लोगों ने, आर और सी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी दोनों में सेम है, लो पास फिल्टर के अंदर भी हाई पास फिल्टर के अंदर दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो आप लोगों ने इसके नॉर्मलाइज प्लॉट बना लिए। नॉर्मलाइज प्लॉट के अंदर आप लोग को चाहिए होती है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर रिस्पॉन्स देखना होता है, और आपने 0 फ्रिक्वेंसी के ऊपर रिस्पॉन्स देखना है। लो पास फिल्टर के लिए का रिस्पॉन्स आपका इस तरह का आ जाएगा, ये आपका नॉर्मलाइज प्लॉट है, ये वी आउट इज इक्वल टू 0 के ऊपर मैक्सिमम होती है जब आप लोग वी आई आउट को आप लोग डिवाइड करोगे उसकी इनपुट वोल्टेज के साथ आपका मैक्सिमम आ जाएगा। और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है आपका यहाँ पे 0.707 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 6631.46, ये आपकी आ गई आपकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली आप लोगों ने जब आप लोगों ने इसको हाई पास फिल्टर के लिए करना है, तो हाई पास फिल्टर के लिए जो है आपकी ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये आपका जो होगा नॉर्मलाइज प्लॉट के लिए आपका ये 1 बन जाएगा जो आपने डिवाइड किया 1 के साथ, और ये आपका जो बन जाएगा ये आपका क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर बन जाएगा रिस्पॉन्स, जो आपका 0.707 होगा, ठीक। ये आपका नॉर्मलाइज प्लॉट है, ये आपका आगे वहां पे उसने शो किया हुआ है। ये आपका लो पास फिल्टर के लिए यहाँ पे 0.707 है, 1 है, और ये आपका वोल्टेज गेन यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर उसने बताया हुआ है, और ये आपका हाई पास के लिए है।
ठीक है सी, बहुत सिंपल है ये चीज़। अच्छा इसमें जो बी पार्ट वो आप स्किप करते हैं, जो सी पार्ट के ऊपर अगर आप आएँ तो डिटरमाइन दी मैग्नीट्यूड एंड फेज। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, आप लोगों ने फाइंड करना है ए बी का, ए बी का आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि आपने ए फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड आपका जो ये था, और अपने ये एंगल फाइंड करना है इसका कि क्या आता है। ये हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ है इसके अंदर, हाई पास फिल्टर के लिए फार्मूला। और आप उसने कहा है कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, हाफ ऑफ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी हम लोग फाइंड कर चुके हुए हैं, और हाफ ऑफ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, ये आ जाएगी 33.15.73 हर्ट्ज। आपको फार्मूला पता है, इसका फार्मूला क्या है आप लोगों का, ए वोल्टेज गेन का, ए भी आपका ये है 1/√1+XC/R2, ये आपका मैग्नीट्यूड है, और आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है, आप लोगों ने टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर। इसमें आपको एक्स सी चाहिए, एक्स सी आप लोगों ने फाइंड करना है 1/2 πfc के थ्रू, जो कि ये है। और फ्रिक्वेंसी आपने कौन सी यूज करनी है, ये वाली फ्रिक्वेंसी आप लोगों ने यूज करनी है जो आपने फाइंड की है, ये 40 किलो ओम आ गया। सिमिलरली आप उसी फार्मूला के अंदर आप लोग पुट कर रहे हैं, जो ए वी वी आउट और वी आई जो था आपका फार्मूला, ये वाला जो था आपका, ये आपका वी आउट और वी आई के इक्वल भी बनता है 1/√1+XC/R। यहाँ पे आप एक्स सी की वैल्यू को पुट करें, आर की वैल्यू को पुट करें आप, और आपका ये फार्मूला आ जाएगा 0.4472 आ जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, थीटा आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू 10/√XC/R। एक्स सी आपको पता है, आर का भी पता है आपको, थीटा आपका आ गया 63.43। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड, साथ उसका एंगल आ गया, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपका फेज एंगल आ गया। इसमें बस आप लोगों ने यही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैंड पास फिल्टर पढ़ेंगे, अभी तक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।